की वजह से फंस गए हैं बाबू भैया, मुनावर ने उठा दी है उंगली। तो गैस जैसे कि मैंने आप लोगों को कुछ ही देर पहले ये चीज़ बताया था कि जिग्ना जी बाबू भैया के साथ लड़ाई कर रही थी कि बाबू भैया ने दाल ली है, और दाल इसलिए ली है क्योंकि बाबू भैया को भूख लग रही थी और बाबू भैया के पास अब दाल है। मनारा का कहना ये है कि तू अब दाल वापस कर दे, जहाँ पर जिग्ना का कहना ये है कि हम नहीं लेंगे। ये बस लड़ाई हो ही रही थी, ये बहस हो ही रही थी कि किसी ने जाके ये चीज़ दिमाग के रूम में बता दी है कि भाई मनारा ने जो है हम उनके दम के घर की पूरी खाई है और ये चीज़ दी है खुद बाबू भैया ने। तो अभी सब लोग ये बात बोल रहे हैं कि बाबू भैया आप पूरी नहीं दे सकते हैं, अभी ये बिग बॉस का घर है। आप वो बोलता है कि मैं उसके मुंह से निवाला निकाल लेता, मैं ये कर लेता, मेरे को ऐसे संस्कार नहीं मिले हैं। कोई भूखा है उसने बोला, वो आलू का कटोरी लेके आई और उसने बोला कि मुझे भूख लगी है, पूरी पड़ी थी, मैंने उसको पूरी दे दी और उसने खा लिया। तो मैं किसी भूखे को उसका पेट मैं भर सकता हूँ तो मैं भरूंगा, मैं भूखा नहीं रखूंगा। पर सबका कहना ये है कि बाबू भैया कि भाई तुझे रोकना चाहिए था, तू उसको खाते खाते नहीं रोकता, तू उसको बोलता कि भाई ये चीज़ तू नहीं कर सकती है, यहाँ का राशन तू नहीं खा सकती, ये चीज़ तू नहीं खा सकती है। पर बाबू भैया का कहना ये है कि जब वो आई थी और जब वो बैठ के आराम से खा रही थी तब किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया, अब जो है समर्थ तू इतना ज़्यादा ऑब्जेक्शन क्यों कर रहा है। जहां पर समर्थ जो है अपनी ही बातों में उलझ गया है और बाबू भैया के ऊपर उसी का पासा जो है पलट गया है और मनारा की वजह से उसको बहुत सारी चीजें सुननी पड़ रही है, पर मनारा जो है अपनी एक बात पे अटक चुकी है और सब लोगों को अपनी ही टीम मेंबर्स को काफी ज्यादा खरी खोटी सुना रही है, जिसके बारे में मैं आने वाली वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी। इसी के साथ मैं लेती हूं इजाजत, नमस्कार।